हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट, सिनेमाटोग्राफी दे एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड ओ हैरिस और इसकी फिल्म म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 25, 1992 और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, व्हिटनी ह्यूस्टन एज रेचल मॉरमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एसआई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवेनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टर एज टोनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बॉट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेग निक्सन एज फेलेचर मैरन के रूप में, गैरी बैमन एज रे कॉट के रूप में, टॉनी पीरस एज डैन के रूप में, रॉबर्ट वोल एज ऑस्कर हॉस्ट के रूप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस के रूप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ के रूप में, डेविया रेनोल्ड एज हेयरसेल के रूप में, डेविड फोस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर के रूप में। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। रॉचल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामांकित अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक के घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं यह महसूस करते हुए कि उसकी सुरक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है। आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पुरुष सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है जिसकी उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रेचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रेचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक, फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो
निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था, लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है, वह हमलावर पर गोली चलाता है, वह चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है, जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट। सिनेमाटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड ओ हैरिस और इसकी फिल्म म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन, कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 25, 1992 और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, व्हिटनी ह्यूस्टन एज रेचल मॉरमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एसआई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवेनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टर एज टोनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बॉट एज हेनरी एडम्स के रूप में, ड्यूवेक निक्सन एज फेलेचर मैरन ग्रुप में, गैरी बैमन एज रे कॉट ग्रुप में, टॉनी पीरस एज डैन ग्रुप में, रॉबर्ट वूल एज ऑस्कर हॉस्ट ग्रुप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस ग्रुप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ ग्रुप में, डेवियर रेनोल्ड एज हेयरसेल्फ ग्रुप में, डेविड फोस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर ग्रुप में। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। रॉचल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामक अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की, जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज
है जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं, वह और रेचल रेचल के साथ सोते हैं, वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उसकी सुरक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है, आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पूर्व सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है, जिसकी उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रेचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रेचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक, फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी, फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था, लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है, वह हमलावर पर गोली चलाता है, चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है, जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट। सिनेमाटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड और हैरिस और इसकी फिर म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 25, 1992 और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, व्हिटनी ह्यूस्टन एज रेचल मॉर्डमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एसआई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवेनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टर एज टोनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बर्ट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेग निक्सन एज फेलेचर मैरन के रूप में, गैरी बैमन एज रे कॉट के रूप में, टॉनी पीरस एज डैन के रूप में, रॉबर्ट वोल एज ऑस्कर हॉस्ट के रूप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस के रूप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ के रूप में, डेविया रेनॉल्ड एज हेयरसेल के रूप में, डेविड फॉस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर के रूप में।
तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। रॉचेल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामांकित अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक के घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं ये महसूस करते हुए कि उसकी रक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है। आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पुरुष सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है जिसके उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रेचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रेचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है। वह हमलावर पर गोली चलाता है। वह चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस
कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दे केविन कॉस्टनर, वाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट। सिनेमाटोग्राफी दे एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड ओ हैरिस और इसकी फिल्म म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन, कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 25, 1992 और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, विटने हाउस्टन एज रेचल मॉरमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एस आई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवेनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टर एज टॉनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बर्ट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेक निक्सन एज फेलेचर मैरन के रूप में, गैरी बैमन एज रे कॉट के रूप में, टॉनी पीरस एज डैन के रूप में, रॉबर्ट वोल एज ऑस्कर हॉस्ट के रूप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस के रूप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ के रूप में, डेविया रेनोल्ड एज हेयरसेल के रूप में, डेविड फोस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर के रूप में। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। रॉचल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामांकित अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक के घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं यह महसूस करते हुए कि उसकी सुरक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है। आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पुरुष सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है जिसकी उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रोचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रोचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक, फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या
एक कारण रेचल को मारने के लिए एक हिट मैन का काम पर रखा था, लेकिन स्टॉकर ने उसके पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है, वह हमलावर पर गोली चलाता है, वह चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है, जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट। सिनेमाटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड ओ हैरिस और इसकी फिल्म म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन, कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 25, 1992 और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, व्हिटनी ह्यूस्टन एज रेचल मॉरमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एसआई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टर एज टोनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बॉट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेग निक्सन एज फेलेचर मैरन ग्रुप में, गैरी बैमन एज रे कॉट ग्रुप में, टॉनी पीरस एज डैन ग्रुप में, रॉबर्ट वोल एज ऑस्कर हॉस्ट ग्रुप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस ग्रुप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ ग्रुप में, डेवियर रेनोल्ड एज हेसल ग्रुप में, डेविड फोस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर ग्रुप में। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। रॉचल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामक अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट कर होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की, जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है, जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर
बने रहने की कोशिश करते हैं। वह और रचेल रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उसकी रक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है, आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पूर्व सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है, जिसकी उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रोचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रोचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक, फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी, फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था, लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है। वह हमलावर पर गोली चलाता है, चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है, जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट। सिनेमाटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड और हैरिस और इसकी फिर म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 25, 1992 और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, व्हिटनी ह्यूस्टन एज रेचल मॉर्डमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एसआई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवेनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टर एज टोनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बॉट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेग निक्सन एज फेलेचर मैरन के रूप में, गैरी बैमन एज रे कॉट के रूप में, टॉनी पीरस एज डैन के रूप में, रॉबर्ट वोल एज ऑस्कर हॉस्ट के रूप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस के रूप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ के रूप में, डेविया रेनोल्ड एज हेयरसेल के रूप में, डेविड फॉस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर के रूप में। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं।
रॉचेल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामांकित अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की, जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक के घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है, जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं, वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं, ये महसूस करते हुए कि उसकी सुरक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है। आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पुरुष सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है, जिसके उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रेचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रेचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी, फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था, लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है, वह हमलावर पर गोली चलाता है, वह चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है, जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट। सिनेमाटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड और हैरिस और इसकी फिल्म म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स और इसका रिलीज डेट रहा है 25 नवंबर 1992
और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, विटने हाउस्टन एज रेचल मॉरमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एस आई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टार एज टॉनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बर्ट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेक निक्सन एज फेलेचर मैरन के रूप में, गैरी बैमन एज रे कॉट के रूप में, टॉनी पीरस एज डैन के रूप में, रॉबर्ट वूल एज ऑस्कर हॉस्ट के रूप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस के रूप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ के रूप में, डेविया रेनोल्ड एज हेसल के रूप में, डेविड फोस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर के रूप में। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। रॉचल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामांकित अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक के घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं यह महसूस करते हुए कि उसकी सुरक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है। आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पुरुष सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है जिसकी उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रोचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक रोचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक, फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है। वह हमलावर पर गोली चलाता
चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वो हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए आंख क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट, सिनेमाटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड ओ हैरिस और इसकी फिल्म म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 25, 1992 और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, व्हिटनी ह्यूस्टन एज रेचल मॉरमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एसआई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवेनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टर एज टोनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बॉट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेग निक्सन एज फेलेचर मैरन ग्रुप में, गैरी बैमन एज रे कॉट ग्रुप में, टॉनी पीरस एज डैन ग्रुप में, रॉबर्ट वूल एज ऑस्कर हॉस्ट ग्रुप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस ग्रुप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ ग्रुप में, डेवियर रेनोल्ड एज हेयरसेल्फ ग्रुप में, डेविड फोस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर ग्रुप में। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। रॉचल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामक अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट कर होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं यह महसूस करते हुए कि उसकी सुरक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है। आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना
करने लगती है। फिर फ्रैंक उसको ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पूर्व सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है, जिसकी उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रोचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रोचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक। फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी, फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था, लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है, वह हमलावर पर गोली चलाता है, चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है, जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट। सिनेमाटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड और हैरिस और इसकी फिर म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 25, 1992 और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, व्हिटनी ह्यूस्टन एज रेचल मॉर्डमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एसआई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवेनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टर एज टोनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बॉट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेग निक्सन एज फेलेचर मैरन के रूप में, गैरी बैमन एज रे कॉट के रूप में, टॉनी पीरस एज डैन के रूप में, रॉबर्ट वोल एज ऑस्कर हॉस्ट के रूप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस के रूप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ के रूप में, डेविया रेनॉल्ड एज हेयरसेल के रूप में, डेविड फॉस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर के रूप में। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं।
रॉचल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामांकित अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की, जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक के घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है, जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं, वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं, ये महसूस करते हुए कि उसकी रक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है। आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पुरुष सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है, जिसके उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रेचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रेचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी, फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था, लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है, वह हमलावर पर गोली चलाता है, वह चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है, जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो मैं आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट। सिनेमाटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड हैरिस और इसकी फिल्म म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स और इसका रिलीज डेट रहा है 25 नवंबर 1992
और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, विटने हाउस्टन एज रेचल मॉरमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एस आई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टार एज टॉनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बर्ट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेक निक्सन एज फेलेचर मैरन के रूप में, गैरी बैमन एज रे कॉट के रूप में, टॉनी पीरस एज डैन के रूप में, रॉबर्ट वोल एज ऑस्कर हॉस्ट के रूप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस के रूप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ के रूप में, डेविया रेनोल्ड एज हेयरसेल के रूप में, डेविड फोस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर के रूप में। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। रॉचल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामांकित अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक के घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं यह महसूस करते हुए कि उसकी सुरक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है। आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पुरुष सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है जिसकी उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रोचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रोचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक, फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है
और निक्की का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है। वह हमलावर पर गोली चलाता है। वह चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निक्की की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है, जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए आंख क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट, सिनेमाटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड ओ हैरिस और इसकी फिल्म म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन, कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 25, 1992 और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, व्हिटनी ह्यूस्टन एज रेचल मॉरमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एसआई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टर एज टोनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बॉट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेग निक्सन एज फेलेचर मैरन ग्रुप में, गैरी बैमन एज रे कॉट ग्रुप में, टॉनी पीरस एज डैन ग्रुप में, रॉबर्ट वोल एज ऑस्कर हॉस्ट ग्रुप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस ग्रुप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ ग्रुप में, डेवियर रेनोल्ड एज हेसल ग्रुप में, डेविड फोस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर ग्रुप में। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। रॉचल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामक अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट कर होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की, जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है, जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं, वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उसकी सुरक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है, आहत होकर रेचल ने फ्रैंक
की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पूर्व सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है, जिसकी उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रोचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रोचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक। फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी, फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था, लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है, वह हमलावर पर गोली चलाता है, चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है, जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी ह्यूस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट। सिनेमेटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड और हैरिस और इसकी फिर म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 25, 1992 और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, व्हिटनी ह्यूस्टन एज रेचल मॉर्डमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एसआई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवेनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक एस्टर एज टोनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बॉट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेग निक्सन एज फेलेचर मैरन के रूप में, गैरी बैमन एज रे कॉट के रूप में, टॉनी पीरस एज डैन के रूप में, रॉबर्ट वोल एज ऑस्कर हॉस्ट के रूप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस के रूप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ के रूप में, डेविया रेनोल्ड एज हेयरसेल के रूप में, डेविड फॉस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर के रूप में। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं।
रॉचल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामांकित अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की, जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक के घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है, जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं, वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं, ये महसूस करते हुए कि उसकी रक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है। आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पुरुष सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है, जिसके उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रेचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रेचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी, फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था, लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है, वह हमलावर पर गोली चलाता है, वह चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है, जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो मैं आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट। सिनेमाटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड हैरिस और इसकी फिल्म म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स और इसका रिलीज डेट रहा है 25 नवंबर 1992
और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, विटने हाउस्टन एज रेचल मॉरमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एस आई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टार एज टॉनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बर्ट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेक निक्सन एज फेलेचर मैरन के रूप में, गैरी बैमन एज रे कॉट के रूप में, टॉनी पीरस एज डैन के रूप में, रॉबर्ट वूल एज ऑस्कर हॉस्ट के रूप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस के रूप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ के रूप में, डेविया रेनोल्ड एज हेसल के रूप में, डेविड फोस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर के रूप में। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। रॉचल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामांकित अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक के घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं यह महसूस करते हुए कि उसकी सुरक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है। आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पुरुष सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है जिसकी उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रोचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रोचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है
और निक्की का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है। वह हमलावर पर गोली चलाता है। वह चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निक्की की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए आंख क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट, सिनेमाटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड ओ हैरिस और इसकी फिल्म म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन, कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 25, 1992 और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, व्हिटनी ह्यूस्टन एज रेचल मॉरमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एसआई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवेनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर्ब फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टर एज टोनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बॉट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेग निक्सन एज फेलेचर मैरन ग्रुप में, गैरी बैमन एज रे कॉट ग्रुप में, टॉनी पीरस एज डैन ग्रुप में, रॉबर्ट वोल एज ऑस्कर हॉस्ट ग्रुप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस ग्रुप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ ग्रुप में, डेवियर रेनोल्ड एज हेसल ग्रुप में, डेविड फोस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर ग्रुप में। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। रॉचल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामक अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट कर होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं यह महसूस करते हुए कि उसकी सुरक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है। आहत होकर रेचल ने फ्रैंक
की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पूर्व सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है, जिसकी उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रोचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रोचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक। फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी, फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था, लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है, वह हमलावर पर गोली चलाता है, चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है, जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट। सिनेमाटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड और हैरिस और इसकी फिर म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 25, 1992 और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, व्हिटनी ह्यूस्टन एज रेचल मॉडमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एसआई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवेनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टर एज टोनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बॉट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेग निक्सन एज फेलेचर मैरन के रूप में, गैरी बैमन एज रे कॉट के रूप में, टॉनी पीरस एज डैन के रूप में, रॉबर्ट वोल एज ऑस्कर हॉस्ट के रूप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस के रूप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ के रूप में, डेविया रेनोल्ड एज हेयरसेल के रूप में, डेविड फॉस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर के रूप में। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं।
रॉचेल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामक अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की, जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक के घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है, जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं, वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं, ये महसूस करते हुए कि उसकी सुरक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है। आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पुरुष सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है, जिसके उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रेचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रेचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी, फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था, लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है, वह हमलावर पर गोली चलाता है, वह चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है, जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो मैं आपको द बॉडीगार्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 1992 की अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया माइक जैक्सन और इसे लिखे हैं लॉरेंस कॉस्टन, प्रोड्यूस किए केविन कॉस्टनर, लॉरेंस कॉस्टन, जिम विल्सन और इसे स्टारिंग दिया केविन कॉस्टनर, व्हाइटनी हाउस्टन, गैरी कैंप, बिल कॉप्स, रॉफ वेट। सिनेमाटोग्राफी दिए एंड्रयू डॉन और इसे एडिट किए डॉन कैमरन, रिचर्ड हैरिस और इसकी फिल्म म्यूजिक दिए एलन सिल्वेस्ट्री और इसकी प्रोडक्शन कंपनी टीक प्रोडक्शन कैस्टन पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स और इसका रिलीज डेट रहा है नवंबर 25, 1992
और इसका रनिंग टाइम है 129 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $25 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $411 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। केविन कॉस्टनर एज फ्रैंक फार्मर के रूप में, विटने हाउस्टन एज रेचल मॉरमैन के रूप में, गैरी कैंप एज एस आई इंस्पेक्टर के रूप में, बिल कॉप्स एज बिल डेवनी के रूप में, रॉफ वेट एज हर फार्मर के रूप में, टॉम्स एरन एज ग्रेग पोर्टमैन के रूप में, माइकल लॉमर एज रिचर्ड एज निक्की मैरन के रूप में, माइक स्टार एज टॉनी स्किपल ग्रुप में, क्रिस्टोफर बर्ट एज हेनरी एडम्स के रूप में, डीवेक निक्सन एज फेलेचर मैरन के रूप में, गैरी बैमन एज रे कॉट के रूप में, टॉनी पीरस एज डैन के रूप में, रॉबर्ट वोल एज ऑस्कर हॉस्ट के रूप में, रिचर्ड स्किप एज द स्किप थॉमस के रूप में, क्रिस कॉनली एज हिमसेल्फ के रूप में, डेविया रेनोल्ड एज हेसल के रूप में, डेविड फोस्टर एज ऑस्कर कंडक्टर के रूप में। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। रॉचल मैरन एक अकादमी पुरस्कार नामांकित अभिनेता और संगीत सुपरस्टार है जिन्हें एक पीछा करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। उसके ड्रेसिंग रूम में एक बम विस्फोट होने के बाद उसके प्रबंधक बिल डेविन ने उसकी सुरक्षा के लिए पेशेवर अंगरक्षक फ्रैंक फार्मर की तलाश की जो एक पूर्व गुप्त सेवा एजेंट था जिसने कार्टर और रीगन के राष्ट्रपति कार्यालय में काम किया था। फ्रैंक अनिच्छा से डेविन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ल लड़की है जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से बेखबर है। रेचल ने जल्द ही फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि उनकी व्यापक सुरक्षा तकनीक के घुसपैठ करने वाली है। हालांकि फ्रैंक और रेचल तब करीब आते हैं जब वह उसके एक संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़कने के बाद उसे खतरे में से बचाते हैं। उसके मौजूदा अंगरक्षक टॉनी फ्रैंक की उपस्थिति से नाराज है जिसके कारण रेचल की रसोई में दोनों के बीच विवाद हो गया। हालांकि फ्रैंक पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हैं वह और रेचल के साथ सोते हैं। वह अगले दिन संबंध तोड़ देते हैं यह महसूस करते हुए कि उसकी सुरक्षा करने की उसकी क्षमता से समझौता होता है। आहत होकर रेचल ने फ्रैंक की सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने लगती है। फिर फ्रैंक को ईर्ष्यालु बनाने के लिए रेचल अपने पुरुष सीक्रेट सर्विस सहयोगी ग्रेग पोर्टमैन के साथ फ्लर्ट करती है जिसकी उसकी मुलाकात मियामी पार्टी में होती है। जब उसका पीछा करने वाले एक धमकी भरा फोन कॉल करता है तो रोचल अत्यंत स्थित गंभीरता को पहचानती है। उसे फ्रैंक पूरी तरह भरोसा करने की जरूरत। फ्रैंक को रोचल उसका बेटा फ्लेचर, उसकी बड़ी बहन निकी और उसका ड्राइवर हेनरी फ्रिक फ्रैंक के पिता हर्व के घर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में एक बड़े झील के किनारे में केबिन की यात्रा करते हैं। अगले दिन फ्रैंक ने विस्फोट होने से ठीक पहले फ्लेचर को एक छोटी मोटर बोट से बचाया। फ्रैंक द्वारा रात के लिए घर सुरक्षित करने के लिए नशे में धुत हो निकी इस बात से परेशान होकर कि फ्लेचर की मृत्यु हो सकती थी फ्रैंक के सामने स्वीकार करती है कि उसने ईर्ष्या के कारण रेचल को मारने के लिए एक हिटमैन का काम पर रखा था लेकिन स्टॉकर ने उसने के पत्र उससे पहले आ गए थे। उसने पूरा भुगतान कर दिया और हत्यारे की पहचान नहीं जानती है। अचानक हिटमैन अंधेरे घर में घुस जाता है
और निकी का घातक रूप से गोली मार देता है। फ्रैंक जंगल में हथियार के पीछा करता है। वह हमलावर पर गोली चलाता है। वह चूक जाता है और हमलावर भाग जाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि स्टॉकर उसे दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और जब निकी की हत्या हुई थी तब वह हिरासत में था। निकी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अकादमी पुरस्कार समारोह है जहां फ्रैंक रेचल की किसी भी परेशानी के प्रति तुरंत संचेत करने के लिए आंख क्रॉस के आकार में पैनिक बटन देता है। इसके बावजूद मंच के पीछे ढेर सारे तकनीकी मुद्दे कार्यवाही पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए फ्रैंक को प्रयास में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।